तुमने क्यों अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली? क्यों अपनी जिंदगी में किसी को शामिल नहीं होने देती? क्या तुम्हारा हक नहीं है कि तुम्हें भी सच्चा प्यार मिले? हाँ, मेरा हक है और मुझे तलब भी है, हर नॉर्मल इंसान की तरह। बल्कि शायद ऐसी मोहब्बत पर तो ऐसी बेसहारा लड़की का ज्यादा हक है और तलब भी ज्यादा। मुझे मोहब्बत से बहुत डर लगता है। मोहब्बत से नहीं, तुम्हें धोखे से डर लगता है। मोहब्बत से क्यों डरती हूँ? इंसान जैसा सोचता है वही होता है। तुम क्यों अच्छा नहीं सोचती? क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं करती? मैं क्यों यकीन करूं? क्यों यकीन करूं मैं? क्या जवाब है मेरे पास मोहब्बत पर यकीन करने का? है, और वो ये है कि अगर पहले जिंदगी ने ठोकर मारी है तो अब जिंदगी से इनाम लेने की बारी है, क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है ना इंसान से कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो तुम्हें अब मुश्किल से गुजर कर आसानी क्यों नहीं चाहिए? ईमान क्या रह लोगी सारी उम्र तन्हा? शायद हाँ, शायद नहीं। अगर रह भी लो तो क्या अच्छा नहीं कि तुम्हें किसी का साथ मिल जाए? और रब जिसे जिंदगी में भेज रहा है उसके बारे में एक दफा सोच कर तो देखो। सोचो एक दफा। हंसती रहा करो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। ईमान, तुम हो मेरा मसला और तुम ही उसका हल हो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कभी किसी को मुझसे सच्ची मोहब्बत हो पाएगी? ये क्या बात हुई? तुम में किस चीज की कमी है जो तुम ऐसा सोच रही हो? बड़ी भी, आजकल लोगों की पसंद के जाविये जरा मॉडर्न हो गए, और ये जो मेरा हुलिया है ना, ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। और शायद ये आपकी खूबसूरती के साथ साथ आपकी तमाम खूबियों पर भी पर्दा डाल देती। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हो, कितने बाशऊर हो, तालीम याफ्ता हो, लोग आपको फिर भी जाहिल समझते। बेटा, असल खूबसूरती तो आपकी शख्सियत होती है, जिसका अंदाजा आपकी सोच से होता है। ये तो दूसरों का जर्फ है बेटा कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या हमें लोगों की परवाह करनी चाहिए? हमें तो बेटा सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज हमें इत्मीनान दे रही है। बाकी बेटा, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है ना? जी बड़ी। लेकिन बेटा ये बताओ, कहीं तुम्हें तो किसी से मोहब्बत नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं बड़ी भी, ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटा, जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आए ना तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, मगर माँ बनकर अच्छा मशवरा जरूर दूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। हुआ क्या था? वे मुझे फोन कर देती, मैं ऑफिस से आ जाता। मामा मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी तो सोचा आपको परेशान ना करूं। तो क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने बताया कि हमारे घर खुशी आने वाली है। Really? Roisin, I'm really happy. It's a great news, you know. Very happy. एक बात, अब तुमने मुकम्मल रेस्ट करना है और कोई काम नहीं करना। चुनीत, इस तरह तो मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। Whatever. लेकिन तुमने अपना बहुत ख्याल रखना। जी, कैसा आप कहें। Very happy. क्या वाकई? बिलाखिर मैं दादा बनने वाला। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हारिफ को बताती हूँ। ये लड़का भी ना, क्या हुआ? फोन ही नहीं लग रहा है उसका। बेगम दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा। सबर करो, आएगा तो बता देना। नहीं सबर हो रहा समदानी साहब, आप नहीं जानते मुझे कितनी खुशी हो रही है। समझ सकता हूँ। कंसंट्रेशन के साथ इस आवाज को, साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने की कोशिश करूं और इस आवाज को सुनने के साथ साथ अपने माइंड में आने वाली तमाम थॉट्स को भी आप लोग नोट करें। जो दिल में है, जो हकीकत है, वही नजर आएगा।